हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दी थर्मल स्ट्रेसेस। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए सॉलिड क्यूब कंस्ट्रेंड ऑन ऑल सिक्स फेसेस इज हीटेड सो दैट द टेम्परेचर राइजेज यूनिफॉर्मली बाय डेल्टी। कोई क्यूब है, ठीक है, कोई सॉलिड क्यूब है जिसके सारी साइज क्या कर रखी है आपने, फिक्स कर रखी है। इसका मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ना तो इंक्रीज हो सकती है डायमेंशंस, ना डिक्रीज हो सकती है। सभी साइज क्या कर दी आपने, फिक्स कर दी, कंस्ट्रेंट कर दी आपने। और कंस्ट्रेंट करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाया आपने, कितना कर दिया, डेल टी अमाउंट इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द मेटेरियल इज अल्फा, इस जो जिस मेटेरियल की ये क्यूब है उसका थर्मल कोफिशिएंट कितना है, अल्फा। यंग्स मॉडुलस ई, ये सभी प्रॉपर्टी है मेटेरियल की, अल्फा ई। एंड द पॉइजंस रेशो इज म्यू, और पॉइजंस रेशो कितना है, म्यू। देखिए, किसी मेटेरियल की बनी होगी ये क्यूब, उस मेटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट कितना है, अल्फा। यंग्स मॉडुलस कितना है, ई। और पॉइजंस रेशो कितना है, म्यू। ये तीनों मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, The thermal stress developed in the cube due to heating is, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिग्मा टी एच बताना है कितना होगा, ठीक है। अब इनमें से एक ऑप्शन होगा तो हम इसमें से चेक करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए है। अभी हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होगा। अब देखिए हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है। कैसे आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, अभी आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसे ऐसे बोला जाता है, कैलकुलेट दी थर्मल स्ट्रेस इन ए क्यूब विच इज फिक्स्ड एट ऑल दी साइड्स एंड दी टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टी। आपसे बोला जाएगा कि थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए एक ऐसी क्यूब के लिए जो जिसकी सारी साइड्स फिक्स हैं और उसका टेम्परेचर डेल्टी अमाउंट बढ़ा दिया है आपने, ठीक है। दैट मीन्स आपको थर्मल स्ट्रेस निकालना है एक क्यूब के लिए। क्यूब का मतलब है कि सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी आपकी, ठीक है। मान लीजिए ये क्यूब है हमारी जिसकी सभी साइड्स क्या है, ए है, ए मान लेते हैं हम, और ये सभी डायरेक्शंस में क्या है, ये आपकी कंस्ट्रेंट कर दिया आपने, क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट। देखिए मान लेते हैं, हमने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इस मेटेरियल का, ठीक है। उसी टाइप से यंग्स मॉडुलस ई है, पॉइजंस रेशो म्यू है इसका, और टेम्परेचर कितना राइज किया है, डेल्टी। अब हमें पता है कि इसके अंदर सभी साइड फिक्स है तो स्ट्रेन कितनी होगी, टोटल स्ट्रेन जीरो होगी। तो जिसके कारण देखिए सभी इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ने की कोशिश करेगा, बट इसको स्ट्रेस रोकेगा, जो ये साइड्स हैं जहां से फिक्स कर रखी है वहां से स्ट्रेस डेवलप होंगी। और ये स्ट्रेस क्या होंगी, सभी इक्वल होंगी, थर्मल स्ट्रेस कौन सी होंगी, ये थर्मल स्ट्रेस होंगी। आप इसको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड भी बोल सकते हो। दैट मींस इस केस में सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, सभी की वैल्यू क्या है, सिग्मा टी एच, क्योंकि वो थर्मल के कारण है और सभी में इक्वल होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में कितनी होगी, जीरो होगी। चलो मान लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन में है, वो जीरो होनी चाहिए। तो स्ट्रेन किसके कारण आएगी, पहले आपकी थर्मल स्ट्रेन, और वो थर्मल स्ट्रेन कितनी होगी, अल्फा टी, प्लस स्ट्रेन ड्यू टू दी स्ट्रेसेस, वो कितना होगा आपका, देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिगमा डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो ये हमने नाम क्या दिया इसका, थर्मल, सिग्मा टी एच, सिग्मा टी एच, सिग्मा टी एच। देखिए ये अब दो, पहले जो आपकी स्ट्रेन है वो अल्फा टी होगी, ठीक है, टेम्परेचर के कारण, बट जो जो यहां पर ये फिक्स है वो स्ट्रेन को रोकेगी, तो उसकी वो कितनी स्ट्रेन देगी आपको, सिग्मा टी एच, मतलब सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई
माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, हमें पता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड कितने हैं, सभी सिग्मा टी एच है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब यहाँ से मुझे सिग्मा टी एच निकालना है, तो जीरो इक्वल टू एल्फा टी प्लस, देखिए यहाँ पर सिग्मा टी एच कॉमन है सभी में, अंदर क्या बचेगा वन माइनस टू म्यू, ठीक है, और ये सिग्मा टी एच डिवाइडेड बाई ई इंटू वन माइनस टू म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी, हम इसको एक साइड में ले गए, तो सिग्मा टी एच क्या आ गया आपका, सिग्मा टी एच आ गया माइनस अल्फा टी इंटू ई डिवाइडेड बाय वन माइनस टू म्यू, तो ये वैल्यू आ गई हमारी थर्मल स्ट्रेस की, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेसेस इफ द वैल्यू ऑफ, इस किसी की भी वैल्यू दे देगा, अल्फा की वैल्यू भी गिवन दे देगा, अच्छा सॉरी टी नहीं आएगा, डेल्टी आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने कितना लिया है डेल्टी, चेंज इन टेम्परेचर हमने किसी, तो किसी किसी बुक में टी लिखा होता है, तो हमें गिवन क्या है डेल्टी, तो आपको लिखना है यहाँ पर डेल्टी, यहाँ पर भी टी है वहां पर डेल्टी कर दीजिए डेल्टी, तो क्या आ जाएगा अल्फा डेल्टी इंटू ई, अल्फा डेल्टी इंटू ई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस इसमें आपको गेट वाले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है उसका, ऑप्शन नंबर ए, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बोला हुआ है एक क्यूब है जिसकी सारी साइड फिक्स है, जिसका टेम्परेचर आपने डेल्टी अमाउंट बढ़ाया है, जिस मेटेरियल की सॉलिड की क्यूब है उसका अपना अल्फा थर्मल कॉफिशियंट की वैल्यू अल्फा है, यंग्स मॉडुलस ई है, और पॉइजन्स रेशो आपका म्यू है, तो बताइए कितनी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, टेम्परेचर बढ़ने के कारण साइज बढ़ने की कोशिश करेगा स्ट्रेन, बट साइड फिक्स है इसलिए उसी स्ट्रेन को रोकने वाला होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी जीरो, ये तो वो स्ट्रेन है जो थर्मल के कारण बढ़नी चाहेगी, बट ये वो स्ट्रेन है जो रोकेगी, तो दोनों को मिलाकर स्ट्रेन कितनी होनी चाहिए जीरो। तो हमने देखा कि यहाँ पर सिग्मा टी एच कॉमन आ गया वन माइनस टू म्यू, तो सिग्मा टी एच को साइड में ले गए तो वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा डेल्टी ई डिवाइडेड बाय वन माइनस टू म्यू। ओके थैंक यू।